आप पहले अपना डेयरी फार्म का नाम और पूरा एड्रेस देने की कृपा करें सर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले जो सभी व्यूअर्स हैं जो मुझे और मेरे फार्म को देख रहे हैं, हाँ जी सर, तो उनको मेरा तहे दिल से नमस्कार। और मैं श्री यादव डेयरी फार्म से, मेरा गांव विलेज जो है वो पाटन है, तहसील जो है वो किशनगढ़ है, जिला अजमेर है और राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। तो ये जयपुर से जो अजमेर नेशनल हाईवे जा रहा है NH-8, हाँ जी, उसमें मेरा गाँव पड़ता है पाटन। अच्छा। और पाटन गाँव में अंदर गाँव के अंदर मेरा डेयरी फार्म है, हाईवे से 500 मीटर पास सेल के लिए। अभी फिलहाल अभी मौके के ऊपर मेरे पास 12 गाय के लिए 2 बछड़े। अच्छा, तो कितने दूध तक की और कितने रेंज तक की होगी सर ये गाय? देखो हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस 50,000 रुपये से होती है। अच्छा। और ऊपर आप 2 लाख रुपये तक हमसे गाय ले सकते हैं। इसमें दूध की कैपेसिटी 10 लीटर से 20 लीटर तक की आती है। अच्छा। पर डे की। अच्छा, तो सर गाय अबव भी जाती है 20, 22, 25 लीटर पर। हाँ जी, हाँ जी सर, वो तो गाय के अकॉर्डिंग हो जाता है सर। हाँ। जो भी है तो एवरेज बताइए आपने ये जो चीज़ें हैं। हाँ, एवरेज जो है तो सर इसके बारे में डिटेल देना सर, क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड या? ये बछड़ी गुजरात को अच्छा खिलाई हुई है। अच्छा। नीचे बछड़ा है, कल जनी थी बछड़ा है और ये 14 किलो दूध बनाएगी। फर्स्ट बैच में 2 दांत हैं वो से। ये देख सकते हो दोस्तों, 2 दांत और अडर की क्वालिटी देख सकते हो। भावनगर लाइन की है, अडर की साफ सफाई बहुत तगड़ी है। देखो आगे पीछे से पूरी, तो जो थनों का जो गैप है वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। फर्स्ट लैक्टेशन में सर? फर्स्ट। अच्छा, तो बछड़े को जन्म दिया कल ही, ये देख सकते हो आप अडर की क्वालिटी इसकी। अच्छा, सेल के लिए सर ये भी? हाँ, वो टोटल जो भी दिखा रहा हूँ। अच्छा, जो सेल हुई भी गई थी मेरे पास कल शाम तक 30 से 35 गाय थी, पर आज सुबह और कल शाम में सारी गाय निकल चुकी है। अच्छा, ये गाय है और नई गाय आएगी वो तो। हाँ सर, ये तो वो अपने से कॉन्टेक्ट पर रहे। हाँ। जो देख रहे हैं इनमें से पसंद आए तो इनमें से देखें। हाँ। अपना डेली का काम अपना। हाँ सर, आती रहती जाती रहती है वो तो। तो सर इसके बारे में डिटेल देना सर, ये क्या? ये भी फर्स्ट बैच की मौके के ऊपर 13 किलो पर डे का। अच्छा, दूध तैयार है, नीचे बछड़ा है, 6-7 दिन की ब्याई है। 6-7 दिन की ब्याई, 8 दिन ही हो गए। हाँ, और बिल्कुल शांत है स्वभाव में, ये देख सकते हो बिल्कुल शांत स्वभाव की। अक्सर लोग बोलते हैं कि गिर गोधन अग्रेसिव होती है, देख सकते हो आप बिल्कुल शांत स्वभाव में है। फर्स्ट बैच की है, फर्स्ट लैक्टेशन में है, तो ये देख सकते हो हाइट वगैरह बढ़ाने चाहिए मेरे अंदाज से, लगते नहीं है इसके हुलियों। हाँ। से पर अच्छा नहीं सर। हाँ, ये सेकंड बैच की है, ये देख सकते हो सेकंड बैच की, और ये परसों के दिन देनी की है, नीचे बछड़ा है मेल का, मेल का। ये दूध बनाएगी 16 लीटर पर डे का, पूरे दिन का 8 लीटर एक टाइम का दूध बनाएगी। ये देख सो पीट पुट्टा बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है इसका, बनावट तगड़ी है और साफ सुथरी जो सफाई है गौ माता के ऊपर से चमक लाइट और सब चीज़ें बहुत ही शानदार सर, बहुत शानदार। इसके नीचे बछड़ी है, ये गुजरात से लाई हुई है, जूनागढ़ से। अच्छा, जूनागढ़ से, गुजरात से, जूनागढ़ गुजरात से। अच्छा, नीचे है आज 7 दिन की गई हुई, गौ माता हो चुकी है लगभग मेरे हिसाब से, और दूध अभी मौके पर तैयार है, इसके 12-13 लीटर। अच्छा, ये देख सकते हो सर प्योरिटी बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, अडर की क्वालिटी और मुठिया थन है बिल्कुल, और थनों के अंदर बहुत ही शानदार गैप देखने को मिल रहा है। पशुपालक भाइयों, जो भी अगर पशुपालक भाई अगर परचेज करना चाहते हैं तो सर के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे दिए जाएंगे, तो आप संपर्क कर सकते हो इस तरह की गोधन परचेज करने के लिए। तो सर अगली गोधन ये देख सकते हो बहुत ही शानदार देखने को मिल रही है, इसकी अडर की क्वालिटी, इसकी पूरी जो दर पीढ़ी है। हाँ जी, इसकी मदर को तो मैंने परचेस नहीं किए क्योंकि इस गौ माता जैसी मदर अपने राजस्थान में रहनी चाहिए। अच्छा, इसकी 2 सिस्टर मैंने अपने यहाँ पे लाके सेल किए, फर्स्ट लैक्टेशन में 8-8 लीटर एक एक टाइम का दूध दिया है, बहुत ही शानदार। ये उस मालिक की, उस गौ माता की, इसकी मदर की 3री बेटी है मेरे पास। अच्छा, जो मेरे पास आई है मौके के ऊपर 14 लीटर दूध तैयार है 4 दिन की बेबी के अंदर। कौन से लैक्टेशन की सर? 9 लीटर टाइम का सेकंड लैक्टेशन, ये देख सकते हो गौ माता है। हाँ, सिंग बहुत ही शानदार है, सेप अंदर से बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है इसका, सुबह में भी शांत है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, ये देख सकते हो बिल्कुल मुठिया थन है, और ये देख सकते हो ये गुजरात की है सर? गुजरात की नहीं, ये दोनों राजस्थान की है। ये देखिए लास्ट में जो है एक कबरी फर्स्ट में दिखाई थी, और एक में लास्ट में कबरी जो आएगी वो गुजरात की है। ये भी सर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है सर इस गाय का। सर राजस्थान में ऐसी गाय मिल जाती है? देखो ढूंढने पे तो सब कुछ मिलती है पर वो मिलती बहुत कम है। हाँ हाँ, सही है, ये बात है कि मिलती बहुत कम। रडार सींग है सर इसका, बहुत ही शानदार। और ओरिजिनलिटी के अंदर ये दूसरे ब्याज में गाय है, फर्स्ट ब्याज में इसने 9 लीटर एक टाइम का दूध दिया है। अच्छा सर, 9 लीटर एक टाइम का। अभी कितने महीने ही प्रेग्नेंट है सर ये? लास्ट 15 दिन में बच्चा देना। अच्छा, पीट पुट्टा बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा सर इसका, पीट पुट्टा और हाइट बॉडी क्वालिटी। देखो ये जो दो गाय है, कोई शौकीन बंदा जो लेना चाहता है। हाँ हाँ,
तो शौकीन बंदों के लिए है क्योंकि इतना जो बजट है वो हर किसी का। हाँ सर, जोड़ा है सर ये। हाँ जोड़ा है और ये देख सकते हो रडार सींग है, कीमत में हेवी है। हाँ हाँ, तो कोई शौकीन बंदा होगा वही लेना पसंद करेगा इसको। पीठ पुट्टा मतलब भरा पूरा शरीर है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है इसका, ये देख सकते हो हाइट वेट बहुत शानदार। सर ये गाय रह गई थी, इसके बारे में देखो साहब, वैसे तो ये एक सोचा जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बोलते हैं कि गिर गाय बच्चा मरने के बाद इसका बछड़ी हुई थी, बछड़ी मर गई थी। अच्छा अच्छा, और ये बछड़ी मरने के बाद थोड़ा सा बाहर रह गई। हाँ का टाइम था उस समय। अच्छा, बाहर रह गई उस दिन, तो ये बीमार भी हो गई थी मेरे। अच्छा अच्छा, बीमार होने के कारण, वरना अभी भी मौके के उसके 4 लीटर एक टाइम का दूध देती है ये। हाँ, बिना बच्चे के। बना बच्चे के। अच्छा, बच्चे के दो टाइम। कितने दिन की ब्याह हुई सर? ये अभी बेचेंगे नहीं इसको, वापस ब्याह पे बेचेंगे। हाँ सही है सही है, अभी तो दूध पी रहे हैं इसका। हाँ हाँ, क्वालिटी वाली गाय है। हाँ क्वालिटी है सर, अगले ब्याह के अंदर बढ़िया तैयार हो गए। काफी शानदार कीमत में मैंने उसी दिन इसको बेचा था। अच्छा, इसकी बच्ची मर गई तो फिर मैंने उसको मना कर दिया अगले में मालिक को, भाई ये सही है, बच्ची मर गई तो आपके लाइक नहीं है। हाँ। फिर तो ये देख सकते हो दोस्तों, आगे आपको और भी अच्छी गायें देखने को मिलेगी। सर के पारम पे उधर भी गायें हैं, ये देख सकते हो उधर, ये देख सकते हो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो आप यहाँ से आगे है, दूर दूर से आगे फागी गाँव। हाँ हाँ, फागी गाँव से मैं बछड़ी लेकर आया था। अच्छा, मैंने दी थी दिल्ली। हाँ हाँ, दिल्ली से मैं वापस लेकर आया हूँ, क्योंकि उसके पास से 7 गाय की जगह उनके पास हो गई थी 12 गाय। अच्छा, तो उनसे मैं वापस लेकर आया हूँ। इसने फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर लगभग आप मान के चलिए, इसकी फीमेल जब बछड़ी थी ना तब इतनी कीमत में ये बिकी थी कि पूछो मत, और इतनी कीमत में मैंने खरीदा था इसको। सही है सही, आप हाइट तो देख ही सकते हैं, हाइट तो दिखेगी, हाइट तो दोनों गायें की बहुत ही शानदार है सर। लैक्टेशन में इसने भी 9-10 लीटर गाय का दूध दिया है। अच्छा, क्वालिटी प्योरिटी में कोई कमी नहीं है, 100% गिर गाय है। हाँ हाँ, ऐसे मान के चलिए कोई 1% का माइनस नहीं निकाल सकता इस क्वालिटी के। सर ये दोनों है जो हेवी क्वालिटी के, कोई पशुपालक भाई अगर शौकीन बंदा है अगर वो परचेज करना चाहते हैं। खाने में इतनी साफ सुथरी है कि पूछो मत, कुछ भी डाल दो सामने। सही है सही है, तभी तो पीठ पुट्टा और हेवी बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ इसका। ये फर्स्ट बैच में है, फर्स्ट बैच में जन्ने वाली है 10-12 दिन में। 14 किलो दूध आराम से बनाएगी फर्स्ट बैच में। अच्छा, ये देख सकते हो ऑर्डर की क्वालिटी, अभी तो और अच्छा ऑर्डर बनाएगी। कोई भी गाय क्वालिटी से क्वालिटी में लो नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की, जैसे मीडियम मिल जाएगी बट क्वालिटी में लो, बिल्कुल ऐसे थर्ड क्वालिटी की गाय नहीं अपने पास नहीं मिलेगी। सही है सही है सही। तो ये देख सकते हो, ये गुजरात की है, ये है भावनगर। अच्छा भावनगर गुजरात, भावनगर लाइन से है पूरा, व्हाइट थन जो है भावनगर लाइन की गाय में ही आता है। हाँ, ये व्हाइट जो थन है ना। हाँ जी हाँ जी, एक जानकारी है, व्हाइट थन गुजरात की जो भावनगर लाइन की गाय होती है ना उसी में। अच्छा अच्छा, और ये कबरा कलर पूरा। हाँ, ये पैटर्न भी आता है भावनगर में, भावनगर लाइन का ही ये पूरा सिस्टम है। सही सही, व्हाइट थन आएगा कबरा। तो क्या सर इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल है ये बहने वाली है 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा, 16 किलो दूध बढ़ाएगी आराम से सेकंड बार, सेकंड लैक्टेशन में। ये हो गई 8 गाय, तो 9 गाय तो यहाँ पे हो गई। हाँ जी, और 2 गाय और 3 बछड़ी वहाँ पे खड़ी है।